Assalamualaikum beautiful people, welcome back to my another vlog. उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, आप सब खैर वाफ़त से होंगे. So आज का जो वीडियो है वो है नोमान के बर्थडे गिफ्ट्स. मैंने क्या क्या मंगाए हुए हैं. मैंने आपको नोमान का बर्थडे तो दिखाया, कैसे हमने सेलिब्रेशन किया था, छोटू सा सेलिब्रेशन. बट जो गिफ्ट्स मैंने नोमान के लिए लाए हैं वो मैंने आपको नहीं दिखाए हैं. सो मैंने जो गिफ्ट्स नोमान के लिए लाए हैं वो सारे आजकल तो मैं मीशो के ही पीछे पड़ी हुई हूँ. जैसे आपको पता है मीशो से ही मैं सारी चीज़ें ला रही हूँ आजकल. तो मेरा एक लास्ट, मैंने सोचा है एक और लास्ट जो है वो मीशो का वीडियो करते हैं. जैसा आपको पता है एप्लीकेशन है जहाँ से आपको बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छे से प्रोडक्ट्स मिल सकते हैं और बहुत ही सही क्वालिटी के. सो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं नोमान के प्रोडक्ट्स जो भी हैं गिफ्ट्स हैं नोमान के वो मैं मीशो से ही ऑर्डर करूं. आज का जो वीडियो है वो सिर्फ यही रहेगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें मीशो से मंगवाई हुई हैं नोमान के लिए. सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सो सबसे पहले लाया है मैंने ये क्यूट सा मिनी बैग नोमान के लिए. ये बैग इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ नोमान बहुत 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 ज़्यादा पढ़े और नोमान बहुत बड़ा ऑफिसर भी बने फ्यूचर में. और स्टार्टिंग मेरे से ही हो, मैं उसकी पढ़ाई में हेल्प करूँ. तो हम क्या ही कर सकते थे कि नोमान के लिए एक प्यारा सा बैग ला सकते थे. बडी ने भी नोमान के लिए मीशो से ही एक बैग मंगाया है, वो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी. और मैंने ये क्यूट सा मिनी बैग मंगवाया है और नोमान इसमें इतना ज़्यादा कंफर्टेबल थे. नोमान इसको पहन के पूरे दिन भाग रहे थे यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, और बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे थे कि ये निकालने का तो मैं वीडियो शूट कर लेती, बिल्कुल भी नहीं. सो ये नोमान का फर्स्ट बैग रहेगा जो नोमान अपने स्कूल ले जाएंगे. नोमान कब बड़ा हो जाएगा जब वो ये प्यारी प्यारी चीज़ें लेगा स्कूल. फिलहाल तो इसमें वो कुछ भी नहीं रख रहा था, एक कुछ चॉकलेट्स और कुछ चीज़ें डाली हुई थी इसमें और बार बार इसको खोल रहा था और मतलब यूज़ कर रहा था. तो ये मैं संभाल के रखूँगी और जब नोमान फर्स्ट डे नोमान का स्कूल डे होगा इंशाल्लाह, अगर मैं यहाँ पे हुई नोमान के साथ तो मैं ये नोमान को पहनाऊँगी तब. और ये नोमान का बर्थडे गिफ्ट है, फिलहाल तो उसकी मम्मा को मैं दे रही हूँ, तो वो संभाल के रखेगी इस बैग को. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बैग मैंने उतना ज़्यादा महंगा नहीं लाया हुआ है क्योंकि नोमान का ये है कि वो दो दिन किसी भी चीज़ को झेलता है, तीसरे दिन उसको पूरा तोड़ मड़ोड़ के फेंक देता है. तो मैंने सोचा कि ज़्यादा महंगा बैग भी नहीं मैं लाऊँगी. तो ये रहा जी बैग. अगर आपके घर में भी बच्चे हैं और अगर आप चाहते हैं कि आप भी उनके लिए बैग लाएँ, क्योंकि बच्चे के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ एक बैग होती है और बुक्स वगैरह रहती हैं जो उसका फ्यूचर डिसाइड करती हैं. सो अगर आप लोगों को भी ये बैग चाहिए तो आप ला सकते हैं इस कोड से और इतने कम प्राइस में. तो जल्दी से जाइए और अपने प्यारे से बच्चे के लिए इतना प्यारा सा बैग लाइए. सो आज का जो दूसरा प्रोडक्ट है वो रहा ये तीन ट्राउज़र मैंने लाए हुए हैं. एक है रेड कलर का, ये प्यारा सा देख लीजिए, इसमें टैग जो लगा हुआ है ये उसकी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ा देता है. वाइट कलर का टैग रेड में, ये बहुत ही ज़्यादा सही लगा मुझे. और सबसे इसकी इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं एक बता दूँ आपको, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो कपड़ा है, फाइबर जो है, ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है. मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है, मैंने ये फील करा. यहाँ पे जो भी ट्राउज़र मिलते हैं इतनी सही क्वालिटी के नहीं मिलते. आप एक बार खुद चेक करें, आप इसको मंगवाएं और आप देखें कि ये कितना परफेक्ट है. बच्चे के लिए हमारे नोमान का क्या रहता है हमेशा के वो ज़्यादा टाइम कोई भी चीज़ नहीं रखते हैं. मतलब उनको ट्राउज़र बार बार चेंज करना पड़ता है क्योंकि उनको रिएक्शन की प्रॉब्लम भी है, उनको रिएक्शन वगैरह हो जाती है, इसलिए उनको चेंज करने पड़ते हैं कपड़े. और हर बच्चे का भी यही रहता है कि कुछ कपड़े तो चलो दो दिन के बाद भी चेंज कर सकते हैं, बट ट्राउज़र उनको आधे घंटे के बाद ही चेंज करना होता है. सो ये ट्राउज़र मैंने लाया है, एक कलर इसमें ये रेड कलर का है, तीन का पैक है ये, आप देख लीजिए. और ये सेकेंड है ग्रे कलर, सेकेंड ग्रे कलर भी मैंने, मतलब ये तीन कलर जो है मैंने बहुत ही देख के चूज़ किए हैं. नोमान को ऐसे कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है और हमें उस पर ऐसे कलर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं. और ये ग्रे कलर मैंने मंगवाया हुआ है, ये भी सेम है, ये तीन का पैक है और इसका भी सेम क्वालिटी है, सेम हर चीज़ है इसकी भी जैसे पिछले की थी. नोमान ने इनको पहन के इतनी ज़्यादा छलांगें मारी हैं उधर से इधर उधर से इधर, और नोमान बहुत ही ज़्यादा कम्फर्टेबल था इनमें. और ये रहा सेकेंड कलर,
एंड थर्ड जो है नुमान पे ये कलर बहुत ही ज्यादा सही लगता है, येलो कलर, और इसमें एडिडास भी लगा हुआ है देखिए। तो ये तीन कलर्स हैं, इनका लाइनिंग है छोटा छोटा सा, क्या पता आपको दिख रहा हो, छोटा छोटा सा लाइनिंग है, और इसका कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सही है, स्ट्रेचेबल है, आप देखिए, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि अजीब सा फील होगा, और बहुत ही नरम है, सॉफ्ट है, बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रहती है। तो ये तीन मैंने मंगवाए हुए थे मीशो से ही नुमान के लिए। तो इनकी प्राइस की बात की जाए तो ये बहुत ही कम प्राइस में है, तीन पैक इतनी प्राइस में आ जाते हैं, और अगर आपको भी अपने बच्चे के लिए ये चीज़ लानी है तो कोड से इन ट्राउजर्स को मंगवा सकते हैं, बिलीव मी ये बहुत ही सही क्वालिटी के हैं। तो चलिए आज का तीसरा प्रोडक्ट मैं आपको दिखाती हूँ। तीसरा प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मीशो पे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसा मैं पिछले तीन वीडियोस में बोल चुकी हूँ कि आप प्रोडक्ट्स को रीसेल कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स की लिंक्स को शेयर करके किसी भी ग्रुप्स में या किसी भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, और आप बहुत सारा पैसे कमा सकते हैं। सो मीशो के बहुत सारे फायदे हैं, तो इन फायदों का फायदा उठाएं। तो चलिए आज का तीसरा प्रोडक्ट जो है वो ये है, ना 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 ये नुमान का नहीं है, ये मैंने फातिमा के लिए लाया हुआ है। नुमान के लिए क्यों इतनी सारी चीज़ें मंगाती हूँ? हाँ बर्थडे है उसका, लेकिन ऐसा भी नहीं है नुमान को ही याद करूँ मैं और फातिमा को बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने ये प्यारा सा ड्रेस जो है फातिमा के लिए लाया हुआ है, आप देख लीजिए, ये है शर्ट, और फातिमा इसमें इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी जैसा आप साइड वीडियो में देख रहे होंगे। आप देखिए इनका, इसके जो बाजू हैं ये मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगे और कम्फर्टेबल है फातिमा को, ये चीज़ मुझे बहुत ही ज़्यादा सही लगी, और इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा सही है। ये रहा इसका ट्राउज़र, आप देखें, और इसमें एक प्यारा सा बनी बना हुआ है जो कि इसमें बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और फातिमा पे ऐसी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं। तो आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं इस कोड से इस प्राइस में, और इसमें एक क्यूट सी चीज़ है, ये जो रिबन है ये अटैच है इसके साथ, ये फ्रंट नहीं है ये अटैच है, तो ये मुझे बड़ा क्यूट लगा। का जो आखिरी प्रोडक्ट है जो मैंने नुमान के लिए मंगवाया हुआ है, बट रहता मेरे पास है क्योंकि नुमान मेरे रूम में बहुत ही ज़्यादा आता है। तो आज का जो फोर्थ प्रोडक्ट है वो है हमारा टैडी। यस, नुमान के लिए मैंने ये टैडी मंगाया हुआ है, ये नुमान से बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। नुमान इसके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रह रहे थे, जब मैंने नुमान को ये दिया नुमान इसको आंखें चेक कर रहा था, नुमान इसको फेस पे टच कर रहा था, यहाँ 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 से टच कर रहा था, और ये बहुत ही बड़ा है, आप देख लीजिए मेरे से भी बड़ा ही है, नहीं मतलब लेंथ में मेरे से बड़ा नहीं है बट बहुत बड़ा है ये। इसका साइज बहुत सही है, और इसका कलर, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और क्यूट सा भी है। तो आप इस इतने बड़े प्रोडक्ट को इतने कम प्राइस में पहली बार देख रहे होंगे, बहुत ही कम प्राइस में इतना प्यारा सा प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सो अब बात आती है कि आप इन प्रोडक्ट्स को मंगवा कैसे सकते हो। आप इन प्रोडक्ट्स को मंगवा ऐसे सकते हो कि डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ लिंक है, और सबके कोड्स भी लिखे हुए हैं, आसानी से आप लोग इन प्रोडक्ट्स को सर्च कर सकते हो और इन चीज़ों को मंगवा सकते हो। इन चीज़ों में बहुत ही अलग अलग कलर्स भी आपको मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगे अगर आप लिंक से जाके चेक करेंगे तो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मीशो पे आप लोगों को आपके पहले ऑर्डर पे मिलेगा 100 रुपीज़ का ऑफ, मतलब जो भी प्रोडक्ट होगा उस पर 100 रुपीज़ ऑफ मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर आप मेरी लिंक से जाके ऑर्डर करते हैं तो आपको मिलेगा 30% ऑफ, और डिलीवरी की बात की जाए तो फ्री डिलीवरी है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लेगा मीशो, और इजी रिटर्न है, आप एक्सचेंज कर सकते हो, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मीशो के। तो जल्दी से जाइए और ऑर्डर करिए, अगर आपने अभी तक मीशो पे नहीं ऑर्डर किया तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। सो आज का वीडियो जो है वो सिर्फ इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।